नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आप सभी का एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। क्या आप जानते हैं कि अपनी बात पर विश्वास रखने से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और क्या आप एक ऐसे लाइफ हैक के बारे में जानते हैं जिसको यूज करने से आप किसी से भी अपनी बात मनवा सकते हो? अगर नहीं तो इसलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अनोखी और रोचक वीडियो, जिसमें हम आपको बताएंगे ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ दिमाग घुमा देने वाले इंटरेस्टिंग एंड यूनिक फैक्ट्स के बारे में। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम आपको लेकर जाने वाले हैं दिमाग के रहस्यों की दुनिया में। फैक्ट नंबर वन, हम एक दिन में लगभग 70,000 विचारों से गुजरते हैं। दोस्तों, आपके दिमाग में एक दिन में लगभग 70,000 विचार आते हैं। जी हाँ, ये सुनने में थोड़ा हैरत अंगेज लगता है, लेकिन ये सच है। आप सोच भी नहीं सकते कि हमारे दिमाग में इतनी बड़ी संख्या में विचार आना कैसे संभव है। लेकिन दोस्तों, ये भी जरूरी है कि हम अपने विचारों पर कंट्रोल रखें, क्योंकि दोस्तों विचारों की शक्ति हमारे व्यवहार को प्रभावित करती है। पॉजिटिव विचार हमें सक्सेस की ओर ले जाते हैं, जबकि अभिमान, अशांति और निराशा भरे विचार हमारी खुदगर्जी और समस्याओं का कारण बन सकते हैं। फैक्ट नंबर टू, मुस्कुराहट का प्रभाव हमारे दिमाग और शरीर पर होता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जब हम मुस्कुराते हैं तो उसका बहुत गहरा प्रभाव हमारे दिमाग और शरीर पर होता है। जब हम मुस्कुराते हैं तो हमारे शरीर में खुशी के हार्मोन जैसे एंडोर्फिन्स और सेरोटोनिन्स उत्पन्न होते हैं। ये हार्मोन्स हमारे दिमाग और शरीर को पॉजिटिविटी और सुकून का एहसास कराते हैं। इससे हमारे दिल की धड़कन बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर और स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है, और हमारा इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है। और दोस्तों, ऐसा बिल्कुल सेम किसी दूसरे व्यक्ति को स्माइल पास करते टाइम भी फील होता है। तो अगली बार अगर आपको किसी से अपनी बात मनवानी है तो उसे एक स्माइल जरूर पास कर दे। क्यों दोस्तों, है ना ये अमेजिंग। फैक्ट नंबर थ्री, अपने बात पर विश्वास रखना हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। दोस्तों, ये एक रोचक तथ्य है कि जब हम अपनी बात पर विश्वास रखते हैं तो हमारे कॉन्फिडेंस लेवल में सुधार होता है। अपनी बात पर विश्वास रखना हमारे सामाजिक और व्यक्तिक संबंध पर भी प्रभाव डालता है। जब हम अपनी बात पर विश्वास रखते हैं तो लोग हमारे विचारों और सुझावों को अहमियत देते हैं। इससे हमारे सामाजिक संबंध मजबूत होते हैं और हम दूसरे लोगों के साथ संवाद करने और उन्हें समझाने एवं समझने का एहसास करते हैं। तो दोस्तों, अपनी बात पर विश्वास रखना हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है और हमारे व्यक्तित्व को प्रगति के ओर ले जाता है। इसलिए हमेशा अपने विचारों, दृष्टिकोण और सुझाव पर विश्वास करें और अपने आप को समझें। विश्वास और आत्मविश्वास से भरी जिंदगी जिए और सफलता के साथ आगे बढ़ें। फैक्ट नंबर फोर, अपने आप से बात करना दिमाग के लिए फायदेमंद है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अपने आप से बात करना हमारे दिमाग के लिए फायदेमंद है? जब हम अपने मन की बात को जुबान देते हैं तो हमारे दिमाग में एक प्रकार का स्वस्थ विचार और व्यवहार का समझौता होता है। दोस्तों, ये हमारे सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रिफ्लेक्शन और सेल्फ ग्रोथ को बढ़ाता है। हम अपने आप से बात करके अपने स्वभाव, संस्कार और गोल्स को समझ सकते हैं। इससे हमारे व्यक्तित्व में प्रगति और उत्कर्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। इसलिए खुद से बात करें और अपने दिमाग को हमेशा स्वस्थ रखें। फैक्ट नंबर फाइव, दूसरे लोगों का साथ देने से अपना खुद का सुकून बढ़ता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब हम दूसरे लोगों का साथ देते हैं तो हमारा खुद का सुकून भी बढ़ता है। जब हम दूसरे लोगों की मदद करते हैं, उन्हें समझते हैं और उनके साथ अच्छे से व्यवहार करते हैं तो हमारे दिमाग में एक प्रकार का आनंद और सुकून का एहसास होता है। देखो दोस्तों, जब हम किसी की मुसीबत में हाथ बढ़ाते हैं तो हमारे आसपास के लोग हमें सुपर हीरो समझने लगते हैं और हमारे दिमाग में एक बड़ा धूम वाला बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है। तो इसलिए दूसरों की मदद करते रहे और खुद को किसी सुपर हीरो से कम ना समझे। अब दोस्तों, ये तो हैप्पीनेस है। फैक्ट नंबर सिक्स, किसी और का बना खाना अपने खाने से ज्यादा टेस्टी लगता है। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, और ऐसा आपके साथ भी कई बार हुआ होगा। तो चलिए पता लगाते हैं ऐसा क्यों होता है। पहला कारण है कि जब हम किसी और का खाना खाते हैं तो हमारे दिमाग में पहले से स्टोर्ड मेमोरी और अनुभव एक्टिवेट हो जाते हैं। इससे हमारे टेस्ट बड स्टिमुलेट होते हैं और वो खाना हमें ज्यादा टेस्टी लगता है। दूसरा कारण है नया अनुभव। जब हम किसी और के बने हुए खाने को खाते हैं तो ये हमारे लिए एक नया और अनोखा अनुभव होता है। दोस्तों, इससे हमारा दिमाग एक्साइटेड और इंटरेस्टेड हो जाता है, जिससे वो खाना हमें ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। तीसरा कारण है सामाजिक परिवर्तन का प्रभाव। जब हम लोगों के साथ बैठकर खाना खाते हैं तो हमारे दिमाग में सोशल बॉन्डिंग और पॉजिटिव इमोशंस एक्टिवेट हो जाते हैं। इससे हमें वो खाना ज्यादा स्वादिष्ट और मजेदार लगता है। अब दोस्तों, आखिरी कारण है प्रेजेंटेशन और माहौल। जब हम किसी और के बने हुए खाने को खाते हैं तो उसका प्रेजेंटेशन और माहौल भी एक रोल प्ले करता है। अगर खाना सुंदर तरीके से अरेंज किया गया है और माहौल इनवाइटिंग है तो ये हमारे सेंस और अनुभव को इनहेंस करता है। इससे खाना और ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो दोस्तों, क्या आप अब समझ गए, किसी और का बना हुआ खाना आपको अपने खाने से ज्यादा टेस्टी लगता है? क्योंकि इसमें कुछ फैक्टर्स जैसे स्टोर्ड मेमोरी, सामाजिक परिवर्तन, नया अनुभव और प्रेजेंटेशन का
असर होता है। फैक्ट नंबर 7, एक व्यक्ति के लिए उसका नाम बहुत ही स्पेशल होता है। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति के लिए उसका नाम बहुत ही स्पेशल होता है। अगर किसी को अपना काम करवाना है तो उसका नाम लेने का एक अलग महत्व होता है। चलिए हम इस बात को समझते हैं। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि व्यक्ति का नाम उसकी पहचान होती है। जब हम अपने नाम को सुनते हैं तो हमारे दिमाग में वही व्यक्ति और उसकी क्वालिटीज, स्किल्स और कैरेक्टरिस्टिक आते हैं, जिससे हमें उस व्यक्ति की याद आ जाती है। अगर किसी को अपना काम करवाना है तो उसका नाम लेना एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेटेजी है। जब हम किसी व्यक्ति का नाम लेते हैं और उन्हें काम करने के लिए कहते हैं तो उनका ध्यान और तैयार होना आसान हो जाता है, क्योंकि उन्हें अपने नाम से जुड़ी एक पहचान और जिम्मेदारी महसूस होती है। किसी भी इंसान को अपने नाम से एक पर्सनल कनेक्शन महसूस होती है। उन्हें ये एहसास होता है कि उनकी पहचान और अहमियत का रिस्पेक्ट की जा रही है। इससे दोस्तों उनका मोटिवेशन और डेडिकेशन का लेवल बढ़ जाता है। अब दोस्तों, इसके साथ ही व्यक्ति अपने नाम से जुड़ी हुई इज्जत और सम्मान को भी बचाना चाहता है। उन्हें अपने नाम को उचित तरीके से रिप्रेजेंट करना होता है, जिससे उनकी रेपुटेशन और क्रेडिबिलिटी बनी रहे। तो दोस्तों, अगली बार आपको अगर किसी से अपना काम करवाना है तो उनका नाम जरूर ले ले, वो भी पहले। दोस्तों, ऐसी ही और बेहतरीन और गजब की वीडियो के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको ये बातें अच्छी लगी हो तो कमेंट में यस जरूर लिखें।